हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी इंदौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में। तो ठीक है, वीडियो चालू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली पहली बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो जनरल कैटेगरी में ये मिली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3870 रैंक से 4 4771 रैंक तक। जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको मिली थी ये 130 रैंक वाले को। ठीक है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मिली थी ये 1060 रैंक से लेके 1706 रैंक तक। एससी कैटेगरी में मिली थी ये 506 रैंक से लेके 992 रैंक तक। एसटी कैटेगरी में मिली थी ये 333 रैंक से लेके 409 रैंक तक। ठीक है, अगर आपकी आपको जन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है तो आपकी जनरल कैटेगरी में इनके इसके बीच में होनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है कि आपको गैस देता है कि आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर मान लो आपकी 4700 रैंक है और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो आईआईटी में, तो आपको आईआईटी इंदौर में आराम से मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है रैंक से रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।